फ्रेंड्स, वेलकम टू हुमास पैशन। देखिए, हम लोग एक दिन अमीनाबाद गए थे। लखनऊ में जो है वो मार्केट, वो काफ़ी अच्छा मार्केट है। और देखिए, आज मैं आप लोग के साथ पूरा अमीनाबाद को एक्सप्लोर करूंगी। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, और अगर आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल हुमास पैशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोग के लिए लेके आती रहूँगी। ये देखिए, ये चेन है और हाथ की अंगूठियाँ हैं। तो ये काफ़ी बिल्कुल रिजनेबल रेट थे। ये हर चेन 100 रुपीज़ के थे। ये देखने में बिल्कुल गोल्ड के तरह लग रहे थे, कोई इसे कह नहीं सकता था कि ये आर्टिफिशियल है। और जो रिंग्स थी हाथ की अंगूठियाँ, वो 50 रुपीज़ की थी। काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस की थी। और जो बैंगल्स आप देख रहे हैं वो भी 100 रुपीज़ के थे। और वो जो सिल्वर के जो आपको पैर में एंकलेट है यानी पायल, वो 150 के थे। तो काफ़ी रिजनेबल रेट था। तो मुझे एक चेन पसंद आया, तो वो मैंने एक लिया है अपने प्रिंसेस के लिए। उसे बहुत पसंद आ गया था, तो मैंने उसी के लिए एक चेन ले लिया है। और अमीनाबाद में काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ मिल जाते हैं बिल्कुल रिजनेबल रेट पे। और अगर आप में ये क्वालिटी है कि बार्गेन कर सके, तो बार्गेनिंग भी वहाँ अच्छी से हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो फिक्स रेट ही रखते हैं। लेकिन हाँ, स्ट्रीट साइड वाले जो शॉप्स हैं उसमें थोड़ी बहुत आप बार्गेनिंग कर सकती हैं। तो ये देखिए, अमीनाबाद का स्ट्रीट साइड का है ये पूरा मार्केट। और फिर मैं अभी अंदर भी लेके जाऊंगी मोहन मार्केट में भी आप लोग को, वहाँ आप लोग को मैं कपड़े भी दिखाऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए एंड तक। और ये सब देखिए, ये जो लेडीज़ आइटम है जैसे जीन्स हैं, ये सब 100 रुपीज़ के मिल रहे थे। तो काफ़ी अच्छा रेट रहता है, और हर तरह की वैरायटी भी मिल जाती है देखने के लिए, कौन सा लेटेस्ट फैशन चल रहा है। बच्चों के भी 100 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के थे। ये देखिए, ये हैंड बैग है, शॉपिंग बैग्स, ये 150 के मिल रहे थे। तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी लगी मुझे, लेकिन मैंने अभी लिया नहीं क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी था। तो अच्छी क्वालिटीज़ के हैं, और ये सब काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख कर के। 150 में बोलेंगे, अगर आप थोड़ा बार्गेनिंग करिएगा तो इसे आपको वो 100 रुपीज़ में भी दे देंगे। ये देखिए, कुछ प्लास्टिक के सामान हैं, हाउस होल्ड के, घर के सामान, तो वो भी आप ले सकती हैं, काफ़ी रिजनेबल रेट है यहाँ। और ये देखिए, ये सब जो टॉप है ये 100 रुपीज़ के हैं। और ये देखिए, ये बिल्कुल सूट है, कुर्ता एंड प्लाजो सेट, ये 300 रुपीज़ के हैं। दोनों एक पूरा सेट है ये 300 रुपीज़ का। और बिल्कुल ये कॉटन के हैं, रेयन फैब्रिक के, तो बिल्कुल गर्मी भी नहीं लगेगा। और ये देखिए, प्लाजो है, ये 100 रुपीज़ के हैं, ये भी कॉटन के थे। तो आपको 100 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ मिल जाएंगी। ये डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये देखिए, ताला है, ये भी 100 रुपीज़ के मिल रहे थे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिए। ये देखिए, वॉलेट थे जेंट्स के, ये 50 रुपीज़ में मिल रहे थे। और इधर देखिए, ये लोअर्स थे, ये 150 रुपीज़ के मिल रहे थे। और ये देखिए, लेडीज़ टॉप है, ये 100 रुपीज़ में। तो काफ़ी अच्छा रेट था। ये सब देखिए, प्लाजो हैं, लोअर्स हैं, ये सारे 100 रुपीज़ के थे। ये देखिए, बैंगल्स हैं, लेडीज़ आइटम। और ये देखिए, ये बैम्बू के, ये बिल्कुल डेकोरेटिव आइटम थे। ये देखिए, वॉस हैं, गुलदस्ते हैं फ्लावर्स के साथ, ये 150 रुपीज़ में छोटे वाले। और बड़े वाले जो थे वो 200 रुपीज़ के थे। वुडन ट्रेस भी थे, वो भी 150 एंड 200 रुपीज़ के थे। बड़े छोटे साइज़ के हिसाब से उन्होंने प्राइस फिक्स किया था। ये देखिए, वॉल हैंगिंग है जिसमें आप की भी लगवा सकते हैं, रख सकते हैं छोटे मोटे आइटम। डोर साइड में आपको रखना है तो ये सब हैंगिंग अच्छे लगते हैं। ये बास्केट्स भी थे, ये कुछ ऑर्गेनाइज़र्स थे, ये सब 50 रुपीज़ के थे ऑर्गेनाइज़र्स। और ये 100 रुपीज़ का था वॉल हैंगिंग, जिसमें आप कुछ भी अपनी की रख सकते हैं, गॉगल्स रख सकते हैं, ये सारे कुछ रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं।
ये देखिए बास्केट्स भी 100 रुपीज़ के थे, ट्रे 150 रुपीज़ के छोटे और बड़े वाले 200 रुपीज़ के थे। काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स थे बैम्बू के, तो आप लोग ज़रूर जाइए अमनाबाद और उसे एक्सप्लोर कीजिए, आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे। ये देखिए दुपट्टा थे, ये भी 100 रुपीज़ के थे, सारे ये 100 रुपीज़ के थे। कुछ दुपट्टे जो थे 150 के थे और कुछ 200 रुपीज़ की भी थे। जैसे ये वाले दुपट्टा जो है 150 रुपीज़ का था और ये जो आप सीक्वेंस वाला देख रहे हैं ये 200 रुपीज़ का था। और ये देखिए बांधनी के दुपट्टे जो थे ये 100 रुपीज़ के, ये एम्ब्रॉयडरी वाले जो थे ये 150 के थे। और ये सब दुपट्टे जो थे ये सारे 100 रुपीज़ के ईच थे। ये टॉप सब भी थे ये 100 रुपीज़ के थे। ये देखिए टी शर्ट सब 100 रुपीज़ के दिख रहे हैं, ये 50 रुपीज़ के भी थे कुछ आइटम्स। ये देखिए क्लच थे ये सारे 150 रुपीज़ के थे, ये सब क्लच है। ये बैग है, ये वाले बड़े वाले बैग देख रहे हैं ये 300 रुपीज़ के थे ये सारे बैग्स, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वालिटी था इन लोगों का, मुझे ड्यूरेबल लगा ये बैग्स। ये शॉपिंग बैग्स जो थे ये 150 के थे, ये वाले बैग 300 के थे। देखिए इसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। देखिए ये दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये 150 का था ये दुपट्टा, लेकिन सीक्वेंस वाले 200 के थे। और इधर देखिए ये लखनवी कुर्ती है सारे, ये सब 350, 450, 500 के रेंज पे थे इसमें, लेकिन वो अलग से टेप लेना पड़ रहा था जो 100 रुपीज़ का ईच था। तो अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा टेप के लिए। ये देखिए ये 350 के कुर्ता है और 100 रुपीज़ का टेप लेंगे तो 450 हो जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे लखनऊ कुर्ती की, चिकनकारी के, क्योंकि लखनऊ तो चिकनकारी के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो यहाँ जो भी आता है वो ज़रूर चिकन की कुर्ती, चिकन की साड़ी, चिकन का टॉप, चिकन का शरारा, ये सारा कुछ लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ की यही स्पेशलिटी है चिकनकारी। ये देखिए ये कितना प्यारा सा सूट है, लाइट सी ग्रीन का कलर का है ये, इस पर टेप लगेगा लाइट सी ग्रीन का तो और भी खूबसूरत लगेगा। कि आपको मैं इस तरह के डिज़ाइंस दिखा रही हूँ ताकि आपको भी एक अच्छा सा आइडिया मिल सके कि किस टाइप के मार्केट में आजकल चिकनकारी के सूट्स आए हुए हैं। ये देखिए ये सब कलर्स हैं, ये देखिए फ्रॉक स्टाइल का ये टॉप है लाइट लेमन कलर का, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये सब देखिए इधर फिर मैं आई हूँ, इधर कुछ ज्वेलरीज थे, ये सब देखिए कुर्तियाँ, ये मिरर वर्क की कुर्तियाँ हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत थे। ये देखिए ये आपको 550 रुपये में दे रहे थे विथ इनर, पूरा मिरर वर्क है इसमें, हर तरह की कलर्स भी अवेलेबल थे। देखिए और भी वो भैया दिखा रहे हैं, ये देखिए ये रेड कलर का, ये भी बहुत खूबसूरत था, तो ये मैंने अपनी प्रिंसेस के लिए परचेज किया है। देखिए पूरे में ऑल ओवर ये मिरर वर्क है और चिकनकारी है, और इसके बैक में भी
वर्क है। लाइट पिंक कलर के, लाइट ग्रीन कलर के, रेड कलर के, लाइट फिरोजी कलर के, नेवी ब्लू कलर के भी थे जो वो सैंपल में हैंग किए हुए थे, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो आप लोग ज़रूर आमनाबाद आइए और इसे एक्सप्लोर कीजिए। और अब देखिए, मैं अब मोहन मार्केट के अंदर, पहली जो इसका लेन है मोहन मार्केट का, उसमें मैं आ चुकी हूँ और मैं कुछ साड़ियाँ देख रही हूँ अपने लिए। तो चलिए देखते हैं किस टाइप की साड़ियाँ अभी मार्केट में प्रेजेंट हैं चिकनकारी के। ये देखिए, मैं कुछ साड़ियाँ देख रही हूँ। ये देखिए, ये भैया रेड कलर की साड़ी दिखा रहे हैं, काफी अच्छी अच्छी वैरायटीज थी। ये देखिए, ये चिकनकारी वर्क है। ये साड़ी भी बिल्कुल अच्छी लग रही थी, डिसेंट थी। और भी कलर्स देखे हैं, ये साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें देखिए ऑल ओवर वर्क है साड़ी में। आजकल चिकनकारी में भी बहुत सारे डिजाइन्स आने लगे हैं जो काफी फैंसी लुक देते हैं, क्रिएट करते हैं। ये देखिए, मैं उसे अपने ऊपर रख के देख रही हूँ किस टाइप की साड़ी लग रही है। देखिए इसका आंचल वाला पोर्शन है, उसमें ये लहरिया बने हुए थे। और ये देखिए, और सभी कलर्स हैं चिकनकारी के। कुर्ती भी है, मिल जाती है यहाँ हर तरह तरह के। ये एक सरदार जी की शॉप थी जो मोहन मार्केट के फर्स्ट लेन में है। ये देखिए पीच कलर है, ये भी बहुत ही अच्छा कलर था। इसमें भी ऑल ओवर पूरी साड़ी में छोटी छोटी मोटिव्स बने हुए थे। और ये शॉप जो है, ये कलकत्ता चिकन स्टोर है, इसमें बहुत सारे वैरायटीज थे। तो अभी आप लोग देखिए, आपको बहुत सारे वैरायटी दिखेंगे यहाँ चिकनकारी के साड़ी के। ये देखिए, पूरे शॉप्स में सारी चिकन की साड़ियाँ ही है। नीचे में इनका अंडरग्राउंड शॉप है जिसमें सिर्फ साड़ियाँ ही रखे हुआ है उन्होंने, और ऊपर में चिकनकारी सूट्स रहते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे अच्छे कलर की साड़ियाँ हैं अवेलेबल है यहाँ। तो आप लोग ज़रूर इस शॉप में आइए और विज़िट कीजिए, काफ़ी अच्छी अच्छी वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। ये देखिए मूव कलर है, ये लाइट बेबी पिंक कलर है। ये देखिए लाइट लेमन कलर है, कितना अच्छा लग रहा है। ये मूव कलर भी बहुत ही प्यारा कलर है। ये लाइट सी ग्रीन कलर है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा अगर आप परचेज करने का सोच रही हैं, तो इस टाइप के कलर्स मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। आप ज़रूर जाइए और एक्सप्लोर कीजिए आमिनाबाद को। ये देखिए रेड वाली साड़ी भी बहुत ही अच्छी लग रही है, में भी काफी अच्छा सा आंचल बना हुआ है। ये देखिए ऑल ओवर ये वर्क साड़ी है जिसे तेपची कहते हैं, ये पूरे साड़ी में पूरा वर्क बना हुआ है। हम लोगों ने लखनऊ में अहमदाबाद एक ही दिन गए, लेकिन काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ बहुत सारी वैरायटीज थी, अच्छे अच्छे आइटम्स दिख रहे थे हर तरह तरह के।
लेकिन हम लोग कुछ ही चीज़ परचेज कर पाए क्योंकि लगेज पर ज़्यादा हो जाता है। मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि आप लोग को मैं दिखा सकूं अमीनाबाद का मोहन मार्केट, ताकि आप लोग भी ज़रूर जाइए यहाँ। और अगर आप लोग को अगर आप लोग किसी और सिटी से या टाउन से देख रहे हैं लखनऊ के अलावा, तो आप लोग एक आइडिया मिल जाएगा कि अमीनाबाद में मोहन मार्केट के फर्स्ट लेन में जाइए और वहाँ कलकत्ता स्टोर है, चिकनकारी स्टोर है, तो वहाँ जाइए, विज़िट कीजिए आप लोग। वहाँ हर वैरायटी की आपको साड़ियाँ, सूट्स, जो भी आप चाहेंगे, अनस्टिच सूट्स भी मिलते हैं, सूट के मटेरियल भी। तो आप अगर स्टिच करवाना चाहें तो वहाँ से आप अनस्टिच चिकनकारी के कुर्ता सूट ले सकते हैं और स्टिच करवा सकते हैं। और यहाँ हर तरह तरह के लहंगा भी मिल रहे हैं, ब्राइडल लहंगास भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मुझे तो लहंगा नहीं देखना था, मुझे साड़ियाँ देखनी थी चिकन की, इसलिए मैंने चिकन की साड़ियाँ देखी। और ऐसे सूट्स भी हैं अच्छे अच्छे, और लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्राइडल लहंगा मिल रहे थे। ज्वेलरी यहाँ मिल जाती है अच्छी अच्छी, झाला मार्केट है तो वहाँ आप जाइए, ज्वेलरी भी देखिए। फिर आगे चल के आपको फुटवेयर की भी एक शॉप मिलेगी काफ़ी अच्छी। और यहाँ आपको अगर पेटीकोट या ब्लाउज पीस या फॉल भी लेना है तो बगल में ही शॉप है, वहाँ से आप सारा कुछ ले सकती हैं, तो काफ़ी अच्छा लुक लगता है। देखिए साड़ी का कितना अच्छा लुक है, आप लोग बताइए किस कैसी लग रही है साड़ी। ये देखिए लाइट सी ग्रीन कलर की साड़ी, ये भी बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। ये सब साड़ी जो दिखा रहे हैं भैया, ये सब 2500 की है, कोई 3000 की है, कोई 4000 की है, तो जैसा वर्क है उसी हिसाब से प्राइस है साड़ियों का। क्योंकि चिकनकारी तो बिल्कुल हैंड वर्क होता है, तो हैंड वर्क के ऑब्वियस सी बात है प्राइस तो थोड़ा रेज्ड रहता ही है, लेकिन अच्छी लग रही थी साड़ियाँ। इसी रेंज में आपको मिल जाएगी अगर अच्छे क्वालिटी की आप चाह रहे हैं तो। ऐसे तो 1000 की भी मिल जाएगी, लेकिन उसका वर्क उतना अच्छा नहीं लगता है। ये सब साड़ियाँ जो हैं, ये सब साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, इसका वर्क भी अच्छा रहता है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।